हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह शुक्रवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए कमिंग 36 आवर्स की रीडिंग लेकर। देखते हैं कमिंग 36 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है, आपको लेकर किस तरीके की एनर्जी रहेगी, क्या मैसेजेस हैं, न्यू मून की वाइब्स है। तो देखते हैं आने वाले 36 घंटे क्या ब्लेसिंग्स हैं या क्या वार्निंग्स हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। इन दोनों डेक से हम लेंगे कुछ एनर्जीज। सबसे पहले हम लेंगे रोमांस एंजल से, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स कमिंग 36 आवर्स मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास रिट्रीट। तो गाइस, होप आपको कार्ड्स ठीक से नज़र आ रहे होंगे, बिकॉज मैंने सेटिंग्स को वैसे ही रखा है ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। तो गाइस, यहाँ पर जो एनर्जी है, सबसे पहली वाइब्स तो यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन ना थोड़ा सा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। थोड़ा फ्लर्टेशियस इनकी एनर्जी होगी, जैसे कि थोड़ा आपसे बातचीत कर लिया, थोड़ा आपसे रोमांटिक हो गए, थोड़ा रोमांटिक कन्वर्सेशन कर लिया, कहीं मिलने की बातचीत कर ली, कहीं मिल लिए आप दोनों, इस तरह की वाइब्स है। जैसे कि ये आपके साथ अपने दिल को हल्का करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें आपसे करना चाह रहे हैं। इन 36 घंटों के अंदर की ये वाइब्स है। इन्हें ऐसा भी एहसास हो रहा है जैसे आप ही वो शख्स हो जो इनके लिए बना है। दिस कुड बी द वन की वाइब्स है। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप और ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप और ये एक दूसरे से पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, और इस लाइफ में भी इन्हें ऐसा लगता है जैसे ये आपको बहुत पहले से जानते हैं और आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है, कंफर्ट लेवल है, एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट है, जो केयर है, जो अनकंडीशनल वाइब्स है लव की, वो इनको कहीं और से रिसीव नहीं होती। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों को इन्होंने चेक किया है, देखा है, परखा है, बट आप जैसा कोई नहीं है। इन्हें ऐसा भी एहसास हो रहा है इन 36 आवर्स के अंदर, हो सकता है कि आपके साथ ट्रू लव है। ट्रू लव की वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है। इन्हें खुद ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मुझे सच्चा वाला प्यार हो गया है, जो कि फिल्मों में दिखाया जाता है या कहानी में, स्टोरीज़ में होते हैं कि यहाँ ऐसे भी प्यार करने वाले हैं धरती पर, इस तरह का प्यार हुआ है। तो दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ये वाली वाइब्स है। साथ ही साथ आपके पर्सन को ऐसा भी फील होगा जैसे ये आपसे एडिक्ट हो गए हैं। इनको 24 घंटे आपकी ही याद आती है, आपके बारे में सोचते रहते हैं। इन्हें ऐसा भी फील हो सकता है कि आपके ऊपर ये कोडिपेंडेंट हो गए हैं। इन्हें अपनी हैप्पीनेस के लिए आपकी नीड है। इन्हें अपनी लाइफ में अगर सुकून चाहिए तो इन्हें आपकी नीड है, अगर इन्हें शांति चाहिए तो भी आपकी नीड है। इवन ये आपके सामने ही हंसते हैं, और किसी के सामने ये हंसना भी नहीं चाहते, इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देना चाहते, किसी की बात पर इनको हंसी आती भी नहीं, इस तरह की वाइब्स है। यहाँ पर अगर कोई मैरिड कपल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके पर्सन अगर सेपरेट हैं आपसे, हस्बैंड या वाइफ, तो ये हनीमून की वाइब्स ऐसा लग रहा है ना, जैसे कि आपके साथ फिर से दोबारा से कहीं घूमने जाना, डेट पे ले जाना, ऐसी जगह ले जाना जहाँ कोई ना आ सके। और अगर आप सिंगल हैं, अभी शादी नहीं हुई है, तो आपके पर्सन हनीमून का सपना देख रहे हैं कि आपको लेकर कहीं ऐसी जगह चले जाएं, इतनी दूर चले जाएं जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ शांति ही शांति हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, एक दूसरे को जान सकें और अच्छे से। यहाँ पर एफ़र्ट्स लगाने की भी वाइब्स है। कमिंग 36 आवर्स के अंदर काफ़ी लोगों के पर्सन कोई एफ़र्ट आपकी तरफ लगा सकते हैं, किसी तरह का एफ़र्ट इस रिश्ते को एक स्टेप आगे ले जाने के लिए।
कोई ना कोई इनको गाइडेंस भी मिलेगी ऐसी वाइब्स है, कहीं ना कहीं से इनको एक ऐसा पुश मिलेगा जैसे कोई शायरी इनके सामने आ जाए या कोई कोट्स आ जाए, कोई ऐसी वीडियो या ऐसा सॉन्ग इनके सामने पॉपअप हो जाए जिससे इनको ऐसा लगे कि यार मुझे एफ़र्ट लगाना चाहिए इस रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ता अगर मेरे हाथ से चला गया तो शायद मैं नहीं जी पाऊँगा, नहीं जी पाऊँगी, ये वाली जो वाइब्स होती है वो यहाँ पर पिक हो रही है। लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स कमिंग 36 आवर्स। इमोशनल फ्रीडम, द सिल्वर वाटरफॉल, द रेनबो रिवाइवर, कंपैटिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना इमोशनल तो है ही, क्योंकि मैंने सुबह भी कहा था आपसे आज की न्यू मून की रीडिंग में कि न्यू मून है तो इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, आपके पर्सन की तरफ मूनोलॉजी से आया भी था इमोशंस आर रनिंग हाई। तो यहाँ पर जो वाइब्स है ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, जैसा मैंने अभी कहा ना, आपके साथ बहुत कंपैटिबिलिटी इनको फील होती है, इन्हें आपके साथ अपनी लाइफ को क्रिएट करने की जो एक क्रेविंग है, जस्ट गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा, जो भी थर्ड पार्टी है वो माने ना माने इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये जस्ट गो विद द फ्लो की वाइब्स में है। अंदर से ये मोटिवेशन आ रही है इनको कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे यूनियन में आना है, क्योंकि जेमिनी की एनर्जी वर्क कर रही है और कर्क राशि है इमोशनल, तो कर्क राशि और मिथुन राशि दोनों की एनर्जी पर जो ये न्यू मून का इफेक्ट है, यहाँ पर वाइब्स ऐसी है जैसे कि बहुत जल्दी से वाइब्स चेंज हो रही हैं, कभी बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं, कभी सडनली रोने लग रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ अच्छे मोमेंट्स बहुत जल्दी सामने गुजर रहे हैं इनके आंखों के, कभी बहुत नेगेटिव मोमेंट्स जो कि जब आप दूर हो रहे थे या जब आप लोगों में झगड़ा हुआ था, तो ये जो चीज़ें हैं ना इनको इमोशनल कर रही हैं। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि ये सपने बहुत देख रहे हैं, इमेजिनेशन का टाइम पीरियड है, बहुत ज़्यादा इमेजिन करना, ये 36 घंटे आपके पर्सन की माइंडसेट में ये होगा कि ये ड्रीम्स बहुत देखेंगे, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर किसी के पर्सन की एनर्जी नेगेटिव दिशा में चली गई ना, तो ये शक बहुत ज़्यादा करेंगे, इतना शक करेंगे कि आपको बुरा लगेगा कि यार मेरे पर्सन को क्या हो गया, न्यू मून के दिन झगड़ा कर रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है, शक कर रहा है, ब्लॉक करने की बातें कर रहा है, तो ये नेगेटिव वाइब्स, अगर नेगेटिव इमोशंस हुए तो इस तरह से ट्रिगर करेंगे। तो यहाँ पर कार्ड्स पॉजिटिव हैं, बट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपके साथ ये चीज़ें नेगेटिवली रेजोनेट करी तो क्या हो सकता है। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या होने वाला है कमिंग 36 आवर्स में, इमीडिएट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। थ्री कार्ड्स एंजल्स, इमीडिएटली मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या एक्शन होगा। जस्टिस, न्याय की एनर्जी है सबसे पहली। सेकंड वी हैव द एम्प्रेस और एम्प्रेस के साथ है डेथ। यहाँ पर शिव शक्ति की वाइब्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। जय हो प्रभु, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यहाँ पर जो वाइब्स है क्लियर मैसेज है, यहाँ पर थर्ड पार्टी एंड होगी, कार्मिक सिचुएशंस रिलीज होंगे और डिवाइन यूनियंस होंगे, मैसिव डिवाइन यूनियंस की वाइब है यहाँ पर। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 11, तो ये एनर्जी दो नंबर 11 का मतलब हुआ 1+1=2, तो मोस्ट प्रोबेबली 36 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, बट 20 आवर्स के अंदर, 11 आवर्स के अंदर या 30 आवर्स के अंदर, 21 आवर्स के अंदर ये एनर्जी ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी से रिलेटेड कार्मिक ट्रिगर इनको मिल सकता है, आप में से बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, इवन ड्रीम्स आपके पर्सन के आपको बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि ये टेलीपैथिक एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। वाइब्स यहाँ मर्जिंग की है, तो आपके पर्सन कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने इंट्यूशन की सुनकर एक्शन लेने की वाइब्स है। सो ये थी गाइस कमिंग 36 आवर्स में क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। सो वीडियो अगर आपसे रेजोनेट करेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।